लाइनर मेरा पता 50 रुपए वाला है, बिल्कुल नहीं भाव बारिश में। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, आती हूँ हमेशा। तो आज मैं आई हूँ गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस जो कि है साकेत में, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है साकेत मेट्रो स्टेशन। और मैंने गूगल करके देखा था इसका जो एग्जिट गेट है वो गेट नंबर 1 है जहाँ से आप पास पड़ेगा। वैसे तो मैं यहाँ पे आ ही चुकी हूँ, अब अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो लगभग 10 बजे हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे सफाई शुरू हो गई है, और यहाँ का एनवायरनमेंट तो काफ़ी क्लीन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही क्लीन है। और एक और चीज़ बता दूँ, गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के अंदर चिप्स के पैकेट्स ले जाना अभी अलाउड नहीं है, मतलब वो लिफाफे में डाल के दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा क्लीनलीनेस रख रखा है ताकि अंदर कचरा वचरा ना हो। तो चलो अंदर चलते हैं। तो आ गया है हमारा टिकट काउंटर, ये भी बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने का। मेरे साथ आई है न्यू व्लॉग पार्टनर जिसका नाम है इंदु जोशी, और ये भी एक ब्लॉगर है, ये भी ब्लॉग्स बनाती है, डेली के ब्लॉग्स बनाती हैं। तो होप आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा लग रहा है कि कोई सरकारी कार्यालय जा रहे हैं। तो यहाँ की टाइमिंग्स अप्रैल टू सितंबर यानी समर्स में है 9 to 7 o'clock, और अक्टूबर से मार्च तक है 9 to 6, क्योंकि ठंडियों में ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है इसलिए 6 बजे बंद हो जाता है। और एंट्री टिकट्स ये एडल्ट्स की 35 है, चिल्ड्रन की 15, और बाकी आप देख ही सकते हो फिजिकली चैलेंज के लिए फ्री है। बाकी यहाँ पे फोटोग्राफी की अलग पेमेंट करनी पड़ती है अगर आप प्रोफेशनली फोटोग्राफर हो और फोटोशूट करनी है। तो चलो अब अंदर चलते हैं। ये जगह पूरी वाइडली फैली हुई है, देखो ऐसे, ये देखो मतलब बहुत बड़ा एरिया है ये। ऐसा लग रहा है किसी बाहर की जगह पे आई हुई हूँ, मतलब बहुत ही सुंदर नेचर है यहाँ का। ऊपर से हम सुबह सुबह आए हुए हैं तो बहुत ही शांति लग रही है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है क्योंकि अभी क्लाउडी क्लाउडी सा हो रखा है इसलिए। रास्ता इतना ज्यादा मिक्स मैच है ना, समझ में नहीं आ रहा कि जाए कहाँ, घुसे कहाँ पे पहले, निकले कहाँ से, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये डिजाइन देखो जरा कितना सुंदर है, मतलब ये मेटल से बना हुआ है शायद, ये फूल वूल बने हुए जो मेटल से बनाए शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। काफ़ी सुंदर भाई, रियल लग रहा है बिल्कुल, जैसे कि कोई पत्ता सूख गया हो। तो इस जगह का नाम फाइव सेंसेस इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो जगह है हमारे फाइव सेंसेस को जगा देती है, जैसे कि सेंस ऑफ स्मेल, फ्लावर्स की जो स्मेल आती है वो, आइज़ यानी आइज़ को हमें मतलब एक्टिव कर देती है, हम चीज़ें देखते हैं या सुंदर सुंदर चीज़ें। उसके बाद सुनने यहाँ की आवाज़ें, बर्ड्स की आवाज़ें, फूलों के मतलब पत्तों के हिलने की आवाज़ें हवा से, और क्या हो सकता है, और क्या क्या होता है, एक दो तीन, टेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर शायद खाने वाने का भी कुछ कैफे वैफे होगा जो भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी यहाँ पर ग्रो करे जाते हैं इसलिए सेंस ऑफ टेस्ट को भी ये जगाता है। भाई यहाँ की गैलरी कितनी फ्रेंडली है देखना अभी, ठीक है, मैं नमकीन लूंगी थोड़ी सी, ठीक है देखना। ओ कारी है, पहली बार किसी की लहरी को इतने पास से खिला रही हूँ मैं, खाते हुए भी देख रही हूँ। ये देखो रास्ते तो बहुत प्यारे यार, तो कर रहे अंदर की तरफ, यहाँ का रास्ता तो बड़ा प्यारा है। यहाँ का जो शांत एनवायरनमेंट है ना भाई, प्यार हो गया मुझे इससे, बहुत प्यारा है, और शांति इतनी ज़्यादा है किसी एक आदमी की आवाज़ तक नहीं आ रही यहाँ पर। हम बस रास्ते में ही गुम हो रहे हैं दोस्तों, हमें कुछ नहीं मिल रहा देखने को, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। भाई यहाँ पे कहाँ कोना कोपचा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलते अंदर की तरफ, यहाँ पे कुछ तो मिले हमें देखने लायक। यहाँ पे हमें एक प्यारी सी चीज़ मिली है, आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे कुछ स्टैचूज है बच्चों की जो प्रे कर रहे हैं। बता नहीं सकती इतना ज़्यादा शांति मैंने शायद ही किसी पार्क में देखा होगा। भाई जितना अंदर घुसती उतना ही रहस्य दिख रहा है मुझे, मतलब कुछ नहीं ऐसा, बट शायद इस पार्क के बाहर की साइड जंगली जंगल है, देखो बिल्कुल बाहर गए तो जंगली जंगल दिख रहा है। यहाँ के जो डिज़ाइंस वगैरह है बहुत ही प्यारे, गोल 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 सीढ़ियाँ हैं जिससे आप ऊपर जाना है आपको। अच्छा तो ये सीढ़ियाँ हमें यहाँ ले जाती हैं ऊपर गार्डन की तरफ, जहाँ ऊपर भी बहुत प्यारा व्यू है, ऊपर भी गार्डन है पता है। गाइस ये बहुत ज्यादा फनी है, इसे समझ नहीं आ रहा करने के जा रही है क्या कहना चाह रही है। तो ये है यहाँ के फाइव सेंसेस जो हमें सेंस ऑफ स्मेल, हियर, टेस्ट, साउंड और सी, ये पांच चीजें बताते हैं। चलते हैं ना यहाँ से, मुझे लगता है सारा व्यू दिखाई देगा, ट्राई करते हैं देखते हैं कैसा लगता है, आ जाओ चले।
उते उबड़ खाबड़ है दोस्तों, जब भी यहाँ पे आओ शूज पहन के आना, मेरी तरह सैंडल मत पहन लेना। भाई ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, अगर फिसला तो गए। बताओ कैसा लग रहा है? वाओ कितना वाहियात व्यू है, कुछ नहीं दिख रहा। वाह यार यहाँ से कुतुब मीनार दिख रहा है, ये देखो भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है। तो इस कुतुब मीनार के पास में टोम भी दिख रहा है, बट कौन सा टोम है समझ में नहीं आ रहा है। ये रहा कुतुब मीनार और ये है कोई टोम, पता नहीं कौन सा है। हम अंदर की तरफ आ चुके हैं जो कि बहुत ऊंचाइयों में है, ये घनी जंगल है और ये नॉर्मल लोगों के लिए आना सेफ नहीं है, जो अकेले आ रहे हैं बिल्कुल ना आए। बाकी अगर आप ग्रुप में या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो बिल्कुल आ सकते हो। यहाँ से काफ़ी लोग कुतुब मीनार को पकड़ते हुए फोटो खींच रहे हैं, जो कि इतना दूर है ये देखो। बहुत सही लग रहा है यार, बहुत प्यारा, मतलब बता नहीं सकते। ये देखो यहाँ से व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू, और बारिश भी होने वाली है। और ये नीचे भी हमारे यही वाला फाइव सेंसेस गार्डन है, हम अभी यहाँ पे भी जाएंगे। तो हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई है और यहाँ का एनवायरनमेंट हम पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से वसूल के जाएंगे। आते ही बारिश शुरू हो गई और बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मतलब बहुत प्यारी प्यारी बूंदें आ रही है और भीग चुके हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने सोचा नहीं था यहाँ पे आके इतना अच्छा मौसम हो जाएगा कि बहुत मजा आएगा। भाई भीग गए हम। A few moments later. बिल्कुल मजा नहीं आया। बारिश में मजा कैसे नहीं आता भाई, इतनी अच्छी बारिश। ओ भाई तेज हो गया, अब तेज हो गई। हाँ पत्ते गिरे मुँह में। आशी भी 2.0 चल रहा है यहाँ पे, पूरे भागने की कोशिश में क्योंकि हद से ज्यादा भीग गए। वैसे तो हम इसको फिल्मों की तरह ले रहे थे बट ये कुछ ज्यादा हो गया है। वैसे जितना जितना हम अंदर आ रहे हैं उतनी उतनी प्यारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि ये देखो बारिश में ये माहौल। इस गुफा के अंदर भी घुसे हुए हैं ये देखो। अरे रुके, 2 सेकंड नहीं हुआ होगा, धूप निकल के आ गई देखो। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी होते होंगे, और ये देखो अलग ही नाच रही है। ये लोगों की बैठने की जगह है पूरी, और ये हमारा मंच जहाँ पे मैं आई हुई हूँ, मेरा स्वागत करो। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि पहले धूप निकली फिर बारिश हुई वापस धूप निकली, चाहता क्या है, भिगा कर क्या किया, पानी और पसीने का मिक्सचर हो जाएगा। अब फिर से अंदर की तरफ आ गए, पता नहीं कितना अंदर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंदर ही अंदर ही अंदर, इसे ये पता चलता है कि ये पार्क काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे चिड़िया चिल्ला चिल्ला सैंडल वैंडल उतार के फेंक दिया है, क्योंकि मुझे जूतों की आदत है और ये सैंडल चाहे इतना ही हील क्यों ना हो बहुत दिक्कत देती है, पता नहीं क्या हो गया। बारिश की वजह से ये जगह और सुंदर होगी, क्या बोलते हो? बोलती तो सही हूँ, बारिश में प्रॉब्लम बहुत हुई, हमें यहाँ पे कुछ बैठने के लिए नहीं है तो दिक्कत हुई थोड़ी सी, बाकी तो बहुत सही है। हाँ बाकी इसके अलावा मौसम वगैरह थोड़ा ठीक हो गया, क्योंकि बहुत गर्मी थी तो थोड़ा गीला गीला सा हो गया, अच्छा लग रहा है। बहुत सारा पसीना बहाने के बाद हम पहुंच चुके हैं फूड कोर्ट की तरफ। साथ ही साथ मैंने कुछ अपना ये काम करवा लिया है, देखिए मतलब जब भी मैं सैंडल पहनती हूँ मेरे साथ यही होता है, इसीलिए यही कारण है मेरे सैंडल को ना पहनने का। तो ये है फूड कोर्ट, जबकि इसे फूड कोर्ट नहीं ठेली ज्यादा बोला जाता है। इस पौधे को खिलता हुआ मैंने पहली बार देखा है, वरना ये पौधे तो नॉर्मली ऐसे देखे बट खिलता हुआ बड़ा प्यारा लग रहा है यार। जब भी फ्लॉक बनाने जाती तभी टूटता है ये, कुतुब मीनार में भी टूटा था, यहाँ पे भी टूट गया, इसकी पूरी सोल ही निकल गई। आ तेरी आत्मा को शांति दूँ। लाइनर मेरे पता 50 रुपए वाला है, बिल्कुल नहीं भाव बारिश में। तो यहाँ पे फूड कोर्ट वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल है, अगर आपको चेंज करना है या वॉशरूम जाना है तो यहाँ पे थोड़ा अंदर आने के बाद आपको वॉशरूम मिलेगा। तो बस क्या बोले अब, प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए इसको हमें चिप्स वगैरह भी हमें लिफाफे के अंदर पैक करके दिया गया था। खा लेंगे हम पूरा यहाँ पर शायद, खा लेंगे तो। अरे धोखा, वापस एंट्री पहुँच गए भाई, ये क्या था साला। हम सोच रहे थे कि कोई नया जगह आ गया, देखा कि हाथी वाथी, फिर समझ में आया एंट्री में आ गए यार। वापस जाना पड़ेगा पहाड़ में, पहाड़ तो चलना है। शायद वीडियो में आपको इतना सिनेमैटिक दिख नहीं रहा होगा, बट इसको अगर आप एक्चुअल में आके विजिट करते हो तो आपको यहाँ का जो नेचर है ना वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको दिखा सकूँ कैसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे आके, बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है।
बहुत ज़्यादा अच्छा। और अब निकलते हैं वापस से उस पहाड़ी पे जहाँ पे हम व्लॉग नहीं कर पाए थे शूट, क्योंकि बारिश होने लगी थी, तो अब वहाँ चलते हैं। और वो सबसे ज़्यादा मतलब इस पूरे गार्डन का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, क्योंकि वहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है और वहाँ से मतलब आप अच्छे फ़ोटोज़ खींच सकते हो, तो वहीं जा रहे हैं। तो ये है यहाँ का कमल कुंड, लेकिन यहाँ पे अभी कमल पूरी तरह से खिले नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी कलियाँ निकली हुई है जैसे कि ये है। और ये है इस गार्डन का वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन जिसके लोग आते हैं, जो कि ये है। अब मुझे नहीं पता कि किस रीज़न से बनाया, ऐसे ही बनाया शायद डेकोरेशन के लिए, पर काफ़ी सुंदर है। तो अभी हम ऊपर आके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम पहले आए थे, और बारिश हो गई थी क्योंकि हमें यहाँ पे फोटोज़ लेने थे, इसलिए हम वापस आ गए हैं। और यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि बहुत ही प्यारा मौसम होता है ऊपर, और हवा भी बहुत लगातार चल रही है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो अब हम फोटोज़ खींचेंगे, रील्स बनाएंगे, मस्ती करेंगे और वापस चलेंगे। हाँ हाँ, क्या मज़ा आ रहा है, चल रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करना, और अगर आपका व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।